are going to read subject Hindi standard 4 and lesson number 5, 6 and 7. Because तीनों के तीन लेसन बहुत छोटे छोटे हैं, so हम एक साथ ले सकते हैं. We have already completed till lesson number 4 in our last lecture. हमने already अपने start से part तक खत्म कर लिया है जो काम है वो, और अब हम fifth number पे आ गए. पांचवा जो lesson है हमारा वो है मेरा मित्र. जो हमारा यहाँ पे फिफ्थ लेसन है वो फर्स्ट, यहाँ से जो फर्स्ट है वो क्या है, मेरा मित्र माय फ्रेंड. और आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, सब दैट मीन्स वर्ड मीनिंग पढ़ाई स्टडी हर साल एवरी ईयर सिर्फ ऑनली. आपको ये जो वर्ड मीनिंग है हमेशा अपनी नोटबुक में लिखने हैं. एक बार मैंने आपको पढ़ के बता दिया और अब मैं ये लेसन आपको समझा देती हूँ. गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, वह एक चतुर लड़का है, पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं. गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है. कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है. हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी स्मॉल लेसन. आप बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है लेसन को, हिंदी में हम पार्ट कहते हैं, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ गोपाल के बारे में. एक बच्चा है गोपाल और उसके बारे में ये छोटा सा लेसन है. इसका स्वाध्याय हम ले लेते हैं. स्वाध्याय मीन्स एक्सरसाइज. पोस्टर से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भर लें. यहाँ ऑप्शन उनका मीन्स ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखना है. जो लेसन के अंदर आता है वही राइट ऑप्शन है. सो एक नंबर है गोपाल मेरा अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे मित्र है. यहाँ पर खाली जगह है, मैं उसे हर साल इनाम मिलते हैं, तो किसमें पढ़ाई में है खेल में. सो यहाँ पे यू हैव टू राइट पढ़ाई, पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं. पहली वाली खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हम मित्र लिखेंगे. और जो सेकंड है उसमें हम पढ़ाई लिखेंगे. प्रश्न द्वारा क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, गोपाल कैसा लड़का है. जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा उसमें लिखा ही है ऑलरेडी, गोपाल एक चतुर लड़का है. दूसरा है क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है. तो आपका जो उत्तर है, जो आंसर है वो क्या है, गोपाल क्रिकेट टीम का कप्तान है. तीसरा है गोपाल किसमें बहुत कुशल है. गोपाल कैच लेने में बहुत कुशल है. यू कैन सी ऑल आंसर्स ओवर हियर. आप यहाँ पे सारे आंसर्स देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अंग्रेजी शब्द के सामने उसका हिंदी शब्द पोस्टर से चुनकर लिखिए. ये पोस्टर या ब्रैकेट में आपको आंसर ऑलरेडी दे दिए हैं, उसमें से हमको जो राइट है वो ही आगे लिखना है. तो हमने जब शब्दार्थ पढ़े थे तो उसमें ऑलरेडी ये आ चुका है. स्टडी पढ़ाई, ओनली सिर्फ गुड अच्छा, और ईयर शाल. यू कैन सी योर ऑल आंसर्स हियर. आपके सभी उत्तर यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं और आपको बहुत ही जल्दी इसकी पीडीएफ कॉपी भी मिल जाएगी. तो स्टूडेंट्स, आपका पाँच नंबर का जो पार्ट है वो यहाँ पे पूरा हुआ. अब आ गया हमारा पार्ट 6. एक ही पेज था, हमने कर लिया. अब पार्ट 6 आ जाता है साग सब्जी वेजिटेबल्स के बारे में है. सब्जियों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और अंग्रेजी में नाम पढ़िए. मूली, रेडिस, गाजर, कैरेट, आलू, पोटैटो, मटर, ग्रीन पीस, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, लौकी, गार्ड, बैंगन, उसको बोटल गार्ड बोलते हैं, बैंगन, ब्रिंजल, भिंडी, लेडीज फिंगर, टमाटर, टोमेटो, मिर्च, चिली, करेला, बिटर गार्ड. यू कैन सी मूली, रेडिस, गाजर, कैरेट, आलू, पोटैटो, मटर, ग्रीन पीस, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, लौकी, गार्ड, बैंगन, ब्रिंजल, सिर्फ सॉरी भिंडी, लेडीज फिंगर, टमाटर, टोमेटो, मिर्च, चिली, करेला, मटर. यहाँ पे सिर्फ दो मैं आपको जो यहाँ
बताने जा रही थी और फिर मैंने सोचा मैं लास्ट में बताती हूँ। देखिए लौकी है ना, इसे गार्ड कहा, इसे बॉटल गार्ड भी कहते हैं। दिस इज बॉटल गार्ड एंड दिस इज बिटर गार्ड, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। बिफोर वी गो नेक्स्ट पेज जस्ट मीन से पे ये देख सकते हैं।
सभी शब्दार्थ है, आपको रीड करने हैं और आपकी नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत से ये प्रश्न होता है कि शब्दार्थ नोटबुक में लिखने हैं, तो कोई बोले ना बोले आपको ये काम कर देना है। जैसे कि हम चालू क्लास में भी ये काम करते थे, जब हम सामने सामने बैठते थे स्टूडेंट्स और टीचर और बोर्ड पे करते थे, तब भी हम वर्ड मीनिंग इंग्लिश में भी लिखते थे और शब्दार्थ में भी। अब मैं ये लेसन आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ। आज दीपावली है, सब लोग बहुत खुश हैं, सबने नए कपड़े पहने हैं, सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं, सबके घर साफ सुथरे हैं, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, सब जगह रोशनी ही रोशनी है, दीपावली त्योहारों की रानी है, इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, दीपावली को दिवाली भी कहते हैं, दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। क्या है हमारा लेसन? दिवाली के ऊपर है ये। कई बार ये है ना, ऐसे में भी आता है, निबंध भी आता है, दीपावली के ऊपर निबंध लिखिए, यही पूरा निबंध भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे है, आज दीपावली है और दिवाली के टाइम पे क्या होता है, आप लोग भी आपके घर में जब दिवाली, जिस सभी के घरों में जब जिस दिन दिवाली होती है सभी के घरों में क्या बहुत सब खुशियाँ होती हैं, सब अपने आप से ही खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और जो दरवाज़ा होता है, जो घर का डोर होता है, वहाँ पे तोरण लगाते हैं, कोई आसोपालों का, कोई फूलों का, कोई बना के अपने हिसाब से लगाए जाते हैं तोरण। सब अपने अपने दिवाली से पहले क्या करते हैं, घर को एकदम नीट एंड क्लीन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ना, इसलिए पूरा घर साफ सुथरा होता है। रात को सभी बच्चे बड़े भी पटाखे फोड़ते हैं और सब जगह रात के, वैसे तो अमावस की रात होती है लेकिन इतनी रोशनी होती है कि लगता नहीं है कि वो अमावस की रात है। दिवाली को त्योहारों की रानी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली का हमारा हिंदुओं का, और हर दिन इस दिन क्या होता है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। यहाँ पर लिखा है इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी धन की देवी है, धन वैभव लक्ष्मी जी से हमें मिलता है, तो उस दिन धन की देवी की पूजा होती है। दिवाली को, दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। और लास्ट में है, दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। कब आती है? आश्विन मास। दिवाली का जो आने का जो मंथ है, जो महीना है, वो मास मतलब महीना, मंथ आश्विन मास में आती है। तो आप देखिए हमने शब्दार्थ पढ़े और यहाँ पे ये पाठ खत्म किया। अब आगे हम एक्सरसाइज लें, उससे पहले जस्ट से क्वेश्चन क्या था? आज सब लोग क्यों बहुत खुश हैं? क्यों खुश हैं?
क्योंकि आज दीपावली है। मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिख दिया, नहीं तो ये टू लाइन में होता है आंसर। आज सब लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि आज दीपावली है, लेकिन टू लाइन्स में आपको थोड़ा टफ हो जाता बिकॉज यू आर अभी आप स्टैंडर्ड फोर में ही हैं। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि आज दीपावली है शॉर्ट। प्रश्न वो है हमारा, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? आप सभी को पता है कैसे कपड़े पहनते हैं दीपावली के दिन? दीपावली के दिन सब नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो आपका उत्तर रहेगा, दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप अपने सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे कहा कि ये सब आपको रफ नोटबुक में लिख के